आज के लेक्चर में हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होगा ट्यूरिंग मशीन का यूज करके। लेट से हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और हमें ए और बी का सब्ट्रैक्शन करना है। लेट से ए नंबर 3 है और बी नंबर 2 है, सो 3 माइनस 2 परफॉर्म होगा, तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो नंबर ए है वो 2 है और जो नंबर बी है वो 4 है, उस केस में 2 माइनस 4 परफॉर्म होगा और आंसर -2 आना चाहिए मैथमेटिकली। अगर ए की वैल्यू 4 है और अगर बी की वैल्यू भी 4 है, तो ए माइनस बी को आंसर हमारा 0 आना चाहिए। लेकिन हम इसको रीडिफाइन करते हैं थोड़ा सा, इस ट्यूरिंग मशीन को। इसमें हम कहते हैं कि अगर मुझे परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन, लेट से मुझे ए और बी का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है और फंक्शन एफ डिफाइन कर रहा है इसका सब्ट्रैक्शन, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो आंसर ए माइनस बी आना चाहिए, और अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी तो उस केस में मेरा आंसर 0 आना चाहिए। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि मैं नेगेटिव आंसर नहीं ला सकता, इसलिए मैं 0 एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर ए इक्वल टू बी है तो भी 0 आ जाए, और ए अगर लेस देन बी है तो भी मेरा आंसर 0 आ जाए। एक काम करते हैं कि एक टेप ले लेते हैं और उस टेप पे 4 माइनस 2 टाइप की चीज परफॉर्म करते हैं। तो लेट से कि मैंने पहले 4 को यूनरी में रिप्रेजेंट कर लिया है, 1 1 1 1, और फिर 0 एक सेपरेटर है, और उसके बाद फिर 1 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके बाद ब्लैंक है और इनपुट के पहले भी ब्लैंक्स हैं। तो ये मेरा एक पॉइंटर है या जो कंट्रोलर है वो नंबर 1 पे है, मतलब कि जो पहला 1 आ रहा है उस पर मेरा कंट्रोलर है। तो डिज़ाइन करते हैं ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला 1 है हम इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम राइट की तरफ मूव करेंगे और जितने भी 1s मिलेंगे उनको हम छोड़ते हुए आगे जाएंगे, 0 मिलेगा उसको भी हम छोड़ते हुए आगे जाएंगे, और जब लास्ट में ब्लैंक मिलेगा तो उसके ठीक पहले जो 1 है मैं इसको भी ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर इसी तरह से मैं मूव करता रहूंगा लेफ्ट में, जो सेकेंड 1 है मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा, और फिर मैं आगे जाऊंगा ब्लैंक तक, और फिर पीछे आऊंगा और इस 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा, फाइन। इसके बाद फिर मैं पीछे की तरफ आऊंगा, फिर मैं 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा और आगे जाऊंगा, और आगे जाने के बाद 0 को क्रॉस करूंगा, जितने ब्लैंक्स हैं उनको क्रॉस करूंगा, और 0 के बाद अगर ब्लैंक मिलता है तो इसका मीनिंग ये है कि अब 1 सारे खत्म हो गए हैं सेकेंड वाले पार्ट में, और चूंकि मैंने एक एडिशनल 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया है इस वाले को, इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि 2 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 1 मतलब 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यही मेरा आंसर होगा। तो वही इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं, एक बार फिर से टेप बना लेते हैं। तो वी हैव 1 1 1 1 फॉलोड बाई 0, देन 1 एंड 1, एंड लास्ट में ब्लैंक सर, फाइन। तो ये ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं। ट्यूरिंग मशीन के लिए हम Q0 स्टेट में हैं, और Q0 स्टेट में मुझे पहला 1 मिला है, मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट की तरफ जाऊंगा, तो पहले 1 को कन्वर्ट करके ब्लैंक में मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ। लेट से मैं Q1 स्टेट में हूँ, इस स्टेट में जितने भी 1 मुझे मिलेंगे मैं उसको 1 में ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा। इसको मैंने स्किप किया, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, राइट की तरफ चले और मुझे 0 मिल गया। तो मुझे क्या करना है, 0 को 0 ही छोड़ना है और राइट में जाना है। फिर इसके बाद 1 मिला, इसको भी छोड़ देना है और मैं राइट की तरफ मूव करूंगा, फिर 1 मिलेगा, मैं इसको छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा, इसके बाद मुझे ब्लैंक मिलेगा। जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलेगा इसको मैं ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ आऊंगा, और लेफ्ट की तरफ जो मेरा 1 है मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। तो माई पॉइंटर इज हियर, और मैं इस 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो लेट्स से दिस इज Q3, और इसके बाद मुझे एक 1 मिला, मैंने इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया और लेफ्ट की तरफ मूव किया। जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, इसको मैं 1 ही छोड़ के पीछे की तरफ आ रहा हूँ, तो 1 को 1 छोड़ के मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ। फिर मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 को मैं 0 छोड़ के लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, 0 को 0 छोड़ के मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, मुझे और भी 1s मिल रहे हैं, मैं इन 1s को 1 ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, और मुझे मुझे तलाश है एक ब्लैंक की। तो जैसे ही मुझे ब्लैंक मिल जाएगा
स्टॉप कर दूंगा। तो वन को वन मैंने लिया और पीछे की तरफ आ रहे हैं, पीछे जितने वन मिलेंगे मैं इनके साथ ये एक्टिविटी करूंगा। जिस मोमेंट पे मुझे ब्लैंक, जिस पूरे में मुझे ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट की तरफ जाऊंगा। तो मैं अब यहाँ पे हूँ, इस पोजिशन पे हूँ, इस वाले वन को मुझे ब्लैंक में कन्वर्ट करना है और राइट की तरफ मूव करना है। राइट में जितने भी वंस मिलेंगे उनको वंस में ही छोड़ के हम राइट जाएंगे। फिर मुझे जीरो मिलेगा, जीरो छोड़ के मैं राइट की तरफ जाऊंगा। रास्ते में जितने वन मिलेंगे मैं उनको वन छोड़ के राइट की तरफ जाऊंगा। जैसे ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं लेफ्ट में आऊंगा। थोड़ा सा इनोटेशन टेप पे कम करते हुए तो फिर से आपको दिखाता हूँ। जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये ब्लैंक कन्वर्ट हो गया है, ये ब्लैंक कन्वर्ट हो गया है। आगे जाके हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, इससे हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। इसके लेफ्ट में जो वन है मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर लेफ्ट की तरफ चलता हूँ। तो वन को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया है, ये रूल है Q3 से Q4 स्टेट का ट्रांजिशन। रास्ते में अगर मुझे वन मुझे मिलता, लेकिन वन मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे केवल जीरो मिल रहा है, तो मैं Q4 से Q5 पे आता हूँ। तो जीरो मिला, जीरो को जीरो छोड़ के मैं लेफ्ट की तरफ आता हूँ। लेफ्ट में मैं जब जब वन मिलता रहेगा, वन को वन छोड़ते हुए मैं पीछे की तरफ आऊंगा। इसका मतलब मैं Q5 स्टेट वाला ट्रांजिशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मुझे ब्लैंक मिला है, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट की तरफ जाऊंगा, थोड़ा इनोवेशन कम करके। सो मेरे पास ये ब्लैंक है, इसको ब्लैंक छोड़ के मैं राइट की तरफ आगे जा रहा हूँ। ओके, अब मैं Q0 स्टेट में हूँ और मुझे वन मिला, वन को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ चले। जब मैं राइट की तरफ चला, मुझे वन मिला, उसको मैंने वन ही छोड़ दिया राइट की तरफ गए, जीरो को जीरो छोड़ दिया राइट की तरफ गए। अब मुझे जीरो के ठीक बराबर में ब्लैंक मिला, ठीक है, जीरो के ठीक बराबर में ब्लैंक मिला और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम लेफ्ट की तरफ आए। ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम लेफ्ट की तरफ आए। तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के जब आप लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के आप जब लेफ्ट आएंगे तो आप जीरो पे पहुंचेंगे, सॉरी नॉट द वन, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के चलेंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे। अभी तक आप इसमें एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यहाँ पे मुझे और वन मिलता, तो ब्लैंक के ठीक पीछे मुझे वन मिलता तो मैं उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे वन नहीं मिल रहा है बल्कि जीरो मिल रहा है। तो अगर ब्लैंक के लेफ्ट में मुझे जीरो मिल रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी वंस थे जो सेकंड वाले नंबर में थे वो ऑलरेडी ब्लैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब आंसर प्रोड्यूस करने का टाइम है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि Q3 स्टेट में जब आपने ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के पीछे की तरफ आए, तो आपको एक जीरो मिला, उसको जीरो को आपने वन में कन्वर्ट कर दिया, जीरो को आपने वन में कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट की तरफ आए। सो दिस इज Q4। नोटेशन में थोड़े और कम कर देता हूँ। आपने इस जीरो को वन में कन्वर्ट कर दिया। इस जीरो को आपने वन में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि एक वन एडिशनल मेरे साथ ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया है, तो उससे बचने के लिए मैंने इस जीरो को वन में कन्वर्ट कर लिया। इसको कन्वर्ट करने के बाद आप पीछे आ जाइए और जितने भी वंस आपको मिले उनको वंस ही छोड़ के लेफ्ट में आते रहिए। जब आपको फिर से ब्लैंक मिल जाए तो उसको ब्लैंक छोड़ के राइट में जाइए और अब आप यहाँ पे होंगे और यहीं से आपका डिफरेंस वाला नंबर स्टार्ट होगा। सो लेट्स से ये मेरा एक फाइनल स्टेट है जो कि एम ग्रेटर देन एन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये एम ग्रेटर देन एन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने पहला केस ले लिया, मान लीजिए कि हम एम लेस देन एन वाला केस लेते हैं। सो लेट्स टेक वन एम लेस देन एन वाला केस, जिसमें कि लेट्स से एम की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 4 है। इसमें हमने क्या किया होगा, जो प्रोसेस है उसको हम रिपीट करा देते हैं। वन को ब्लैंक पर कन्वर्ट करके आगे गए होंगे, फिर इस लास्ट वाले ब्लैंक पर पहुंच के हम पीछे आए होंगे और इस वाले वन को ब्लैंक पर कन्वर्ट किया होगा, फिर हम लेफ्ट में आए होंगे, ब्लैंक मिला होगा, ब्लैंक से राइट की तरफ जाके पहले वन को फिर से ब्लैंक पर कन्वर्ट किया होगा और हम आगे की तरफ गए होंगे। और जब हम आगे की तरफ गए होंगे तो वंस मिले होंगे, उनको छोड़ते छोड़ते हम ब्लैंक तक पहुंचेंगे, फिर ब्लैंक से लेफ्ट आएंगे और इस वाले वन को ब्लैंक पर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम पीछे आएंगे,
वन को छोड़ेंगे, जीरो को छोड़ेंगे, जीरो के ठीक पीछे अभी तक आपसे एक्सपेक्टेड ये था कि आपको कुछ वंस मिलेंगे, कोई बात नहीं, वंस नहीं मिले, मुझे ब्लैंक मिल गया, और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम राइट की तरफ मूव किए, मतलब कि ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम राइट की तरफ गए। अभी एक्सपेक्टेड था कि ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ने से आपको एक वन मिलता, लेकिन वन नहीं मिल रहा बल्कि अब जीरो मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे जीरो मिल रहा है तो हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, अगर मुझे जीरो मिला है उसको जीरो छोड़ के राइट की तरफ जाएंगे, और ये केस रिप्रेजेंट करता है कि मुझे मान यूजर स्टेट में ये जो मिल रहा है ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है या तो एम लेस देन एन है और या तो वन एम ग्रेटर एन इक्वल्स टू एन है। तो अगर हमने हमें मिला कि ब्लैंक के ठीक बाद हमें जीरो मिला है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि ये जो राइट वाला पार्ट है उसमें ज्यादा वंस भी हो सकते हैं, या राइट वाला जो पार्ट है उसमें इक्वल नंबर ऑफ वंस भी हो सकते हैं। नाउ जैसे हमने जीरो को जीरो छोड़ा और राइट की तरफ गए तो इसमें मेरे टेप पे जीरोस दिखेंगे, मैं एक काम करता हूँ जीरो को वन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में ये जो ये वाला जो जीरो है वो वन में कन्वर्ट हो गया है, और इसको हमने कन्वर्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं। लेट से ये क्यू सिक्स स्टेट है, और क्यू सिक्स स्टेट का मतलब क्या है कि इसके ठीक बाद मुझे वंस मिलेंगे, और अगर एम इज इक्वल टू एन है तो उस केस में क्यू सिक्स फाइनल स्टेट होगा, और मुझे ब्लैंक्स दिखेंगे, सॉरी नॉट क्यू सिक्स नॉट विद फाइनल स्टेट, जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको ब्लैंक्स दिखेंगे, मतलब अगर यहाँ पे भी वन वन है, यहाँ जीरो और यहाँ पे भी वन वन है, इसको हमने ब्लैंक में कन्वर्ट किया होगा, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया होगा, फिर इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया होगा, और इसको भी वन ब्लैंक में कन्वर्ट किया होगा। तो ये जो जीरो है इस जीरो के बाद भी अगर ब्लैंक्स ही हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एम इज इक्वल टू एन, और अगर इस जीरो के बाद कुछ वंस हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ वन वन और यहाँ पे वन 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 वन, ये ब्लैंक में कन्वर्ट हुआ, ये ब्लैंक में कन्वर्ट हुआ, ये ब्लैंक में कन्वर्ट हुआ और आगे गए और ये ब्लैंक में कन्वर्ट हुआ, सेकंड वाला बन गया। इसके बाद इस ब्लैंक के बाद मुझे जीरो दिखा और उसके बाद में दो वंस बचे हुए हैं, तो ये दो वंस बचे होने का मतलब है कि एम इज लेस देन एन या ए इज लेस देन बी, फाइन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमें ब्लैंक के बाद जीरो मिला है तो ये केस ये बताता है कि इसमें एम इज इक्वल टू एन है, तो अगर ऐसा है तो जीरो के ठीक बाद मुझे ब्लैंक मिलेगा, तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम राइट में जाएंगे एंड दिस विल बी क्यू सेवन स्टेट विच विल बी रिप्रेजेंटिंग एम इज इक्वल टू एन, और इसके बाद मान लीजिए कि मुझे कुछ वंस मिलते हैं तो मैं उसको वन ही छोड़ के राइट में चलता हूँ, एंड लेट से मैं क्यू एट स्टेट में हूँ, यहाँ मुझे कुछ वंस मिलेंगे, मैं उसको वन छोड़ के राइट की तरफ जाता हूँ, और मैं क्यू नाइन स्टेट में पहुँचता हूँ, और यहाँ इसका मतलब है कि जितने भी वंस है उसको आपने वंस ही छोड़ के आगे की तरफ गए, तो ब्लैंक ब्लैंक होगा तो राइट में जाएंगे आप और क्यू नाइन स्टेट में पहुंचेंगे। अगर आप क्यू नाइन स्टेट में पहुंचे सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एम इज लेस देन एन। हालांकि चूंकि हमने ये माना है कि जो फंक्शन है उसमें अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है तो हमें जीरो रिप्रेजेंट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि इन सबको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, तो जीरो को भी ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, वन को भी ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, जितने वंस मिलेंगे उनको हम ब्लैंक में कन्वर्ट करके आगे की तरफ देंगे। तो या तो एम लेस देन एन होगा या एम इक्वल्स टू एन होगा, दोनों के केस में जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो टेप में सारे के सारे ब्लैंक्स लाने हैं, क्योंकि ब्लैंक ही जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो या तो ये ए लेस ए ग्रेटर देन बी है तो उस केस में जो ए माइनस बी का आंसर ए माइनस बी की वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगा टेप, अदरवाइज अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है तो उस केस में टेप जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।